ये सवाल जनता को सरकार से पूछना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आ पड़ी कि प्राइवेट स्कूल्स खुले और इतने ज्यादा फ्लरिश हुए, क्योंकि जी सरकार की जो एजुकेशन की रेखा थी वो छोटी थी। अब प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन की रेखा अगर बड़ी हो गई है तो सरकार अपनी रेखा को बड़ी करने के बजाय उस रेखा को काट के या मिटा के छोटा करना चाहती है। तो आई वुड बिल्कुल स्टिल रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि वो अपनी आंखें खोलें। जो गिले शिकवे शिकायतें प्राइवेट स्कूल ओनर्स से वो करते हैं, वो गिले शिकवे शिकायतें उससे कहीं ज्यादा सरकार से होने चाहिए। क्योंकि बिल्कुल सही अगर बात। सरकार अपना सरकारी स्कूल चला रही है तो उनको चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? वो हम हमारे आम जनता के पैसों से ही आ रहा है। जो टैक्स की अमाउंट हम पे करते हैं उसी से आ रहा है। एक आम आदमी सरकार को भी टैक्स दे रहा है जी फ्री एजुकेशन लेने के लिए, और फिर उन सरकारी स्कूलों में अपना बच्चा पढ़ाता भी नहीं है। जी प्राइवेट स्कूलों में बच्चा पढ़ाने के लिए अलग से अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा है, तो वो डबल मार क्यों झेले? क्यों, साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में हजारों ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने मुकाम हासिल किए हैं। आखिरकार स्कूल की शिक्षा में और ऑनलाइन की शिक्षा में क्या फर्क है? क्यों आखिरकार बच्चों के लिए स्कूल आना जरूरी है? घर पे रह के बच्चों का जो बौद्धिक विकास था, जो उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट था, जो उनका हेल्थ था, इन सब चीजों में डिटेरियरेशन बहुत ज्यादा हुई है। एक जोक एक चल रहा था कोविड टाइम पे कि ये जो मोबाइल जिसको कभी स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, आज वो सबका कितना लाडला बेटा हो गया लाडला है, व्यक्ति उसके ऊपर सारी बिल्कुल क्लासेस लग रही हैं। वो इट इज नॉट फॉर्चुनेट, ये हमारी मजबूरी थी कि हमें मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस लगानी पड़ी। अगर आप किसी भी प्रिंसिपल से पूछेंगे, किसी भी टीचर से पूछेंगे, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस मोबाइल एजुकेशन। बच्चे बिल्कुल जब बिल्कुल स्कूल में सही आते बात आप कह थे, रहे हैं, अपने लेकिन साथ टीचर्स में के एक बात साथ और हम फेस टू समझने फेस की इंटरेक्ट कोशिश करते थे। करें, अध्यापकों को इतनी मेहनत जी करनी पड़ी उन तमाम चीजों को सीखने में, बच्चों को समझाने में, लेकिन बच्चों को आखिरकार किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा इस चीज को महसूस करने में, इसको अपने अपने शरीर के साथ में ढालने में। जी मैं वही चीज आपको बोल रहा हूं। ये बच्चों ने शुरू शुरू में जब ऑनलाइन एजुकेशन थी तो सभी पेरेंट्स और बच्चों ने उसको हाथों हाथ लिया। एक नई चीज थी सबके लिए, तो एक एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई था। और पेरेंट्स भी घर पे ही थे, तब लॉकडाउन कंप्लीट लगा हुआ था, पेरेंट्स भी अपने कामकाज पे नहीं जा रहे थे, दे वर एबल टू डिवोट सम टाइम। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलने लगा, पेरेंट्स कामकाज पे जाने लगे, वो मोबाइल सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हाथ में आ गए। तो ज्यादातर ये नोटिस किया गया कि क्लासेस लगाने के बजाय लॉग इन करके बच्चे गेम्स खेल रहे होते थे मोबाइल पे। जी जब आज की डेट में जब पेरेंट्स एडमिशन के लिए स्कूल में आ रहे थे, तो यू वोंट बिलीव मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि किसी तरीके बच्चों को आप स्कूल में बुला स्कूल में लीजिए, बुलाइए। हमारे सही बच्चों की सारी के सारा फ्यूचर घर पे बैठ के खराब हो रहा है। उनकी हेल्थ को लेके वो वरीड हैं, उनके बिहेवियर को लेके वो वरीड हैं, उनके डिसिप्लिन को लेके वो वरीड हैं, उनके जो कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट है उनको लेकर वो वरीड हैं। पेरेंट्स इस टाइम पे वाकई में चिंतित हैं। मगर मैं एक रिस्पॉन्सिबल एजुकेशनिस्ट होने के नाते ये बात बोलना चाहूंगा कि ठीक है, अगर स्कूलों को बंद रखने से किसी भी तरह से बच्चे सेफ होते हैं, वी आर ऑल विद देम। बिल्कुल हम बिल्कुल सरकार के साथ भी हैं, हम पेरेंट्स के साथ भी हैं। जी मगर जब आज भी बाजार में हम निकलते हैं, मार्केट में निकलते हैं, आप हर सिटी में कम से कम 5, 10, 15 पार्क होती हैं, म्यूनिसिपल पार्क होती हैं। आप शाम को जाकर एक बार, आपका तो न्यूज चैनल है, आप कैमरा लेकर जाइए, उन पार्क की हालत देखिए जरा। कोई वहां पे सैनिटाइजेशन नहीं है, कोई मास्क नहीं पहने हुए हैं, बिल्कुल कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, उन्हीं चीजों को टच कर रहे हैं जिनको बाकी बच्चे भी टच कर रहे हैं। तो अगर केवल और केवल स्कूल बंद रख के ही कोरोना को रोका जा सकता तो मैं पूरी तरह से इसमें सहमत होता। मगर जब तक बच्चों को ये कोविड का एक्सपोजर स्कूल छोड़ के बाकी हर जगह पे मिल रहा है, हम कैसे कह सकते हैं कि बच्चे सेफ हैं और स्कूल बंद करने से कोरोना नहीं फैलेगा? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और साथ में गुप्ता जी रुक मैं फिर से आपका करना चाहूंगा, शुरुआत में हमने देखा कि सिर्फ जो स्कूल से जुड़े लोग थे, चाहे अध्यापक हो या सुरक्षा कर्मी हो, बस चालक हो, प्रिंसिपल हो, वो लोग डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो लगातार डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ में जो बच्चे हैं वो भी अपनी बात कह रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री से कि स्कूल खोल दीजिए। गौरव की बात आपने सुनी, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला कि जो ऑनलाइन एजुकेशन थी उसको एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा वेलकम किया गया था। कुछ स्कूलों ने बहुत अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन दी भी, जैसे मेरे स्कूल के पेरेंट्स हैं वो बहुत खुश हैं हमारी जो ऑनलाइन एजुकेशन है। बट पांच उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, बिल्कुल हर कोई उतनी बेटर ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे पाया, उतने अच्छे रिसोर्सेज भी नहीं थे। और ये बात हमारा सीबीएसई भी मानता है और शिक्षा मंत्री भी मानते हैं कि हर किसी पेरेंट के पास भी उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे। किसी के पास मोबाइल नहीं था, किसी के पास नेटवर्क कवरेज नहीं थी,
तो आज अगर आप 10वीं और 12वीं के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के दिल का हाल पूछेंगे तो वो अंदर से रो रहे हैं। बिल्कुल रो वो रहे हैं। जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में वो उतना अच्छा एजुकेशन ऑन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो एग्जाम्स में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कईयों को फेल होने का डर है, कईयों को मार्क्स कम आने का डर है, पूरा का पूरा फ्यूचर उनका इसी पे टिका हुआ है। अब अगर बात सिर्फ स्कूल को बंद करने और ऑनलाइन एजुकेशन की सक्सेस से थोड़ा सा हटके मैं करूं, बच्चों की इम्यूनिटी लेवल पे, अभी आपने कुछ दिन पहले हमारे जो केंद्रीय सेहत मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उनका ये बयान सुना होगा जब डिमांड की बात हो रही थी कि वैक्सीन जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, सरकार सप्लाई नहीं कर रही है, तो सरकार को सभी के लिए 40-45 साल की जो एज लिमिट सरकार ने लगा रखी है वो एज लिमिट नहीं लगानी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने भी ये बात बोली जी। कि 18 साल से ऊपर सबको ये वैक्सीन दे देनी चाहिए। तो उस टाइम पे जो सेहत मंत्री हैं उनका ये जवाब था कि जो वैक्सीन है वो जरूरत के हिसाब से दी जाएगी, नीड बेस्ड दी जाएगी, डिमांड बेस्ड नहीं दी जाएगी। तो इसमें एक क्लियर कट इंडिकेशन मिलती है कि जो वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत किनको थी, अबव 65 एज वाले जो लोग थे, और जिनको कोई और फिजिकल इलनेसेस या प्रॉब्लम्स थी, कोई बीपी था, कोई डायबिटीज था, उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए सबसे पहले उनको दी गई। फिर उसका दायरा नीचे लाके 45 साल से ऊपर वालों को दी जा रही है, फिर उसका दायरा थोड़ा और नीचे लाएंगे। तो अगर ये इस ट्रेंड को हम फॉलो करें तो क्या ये सरकार और जो हेल्थ विशेषज्ञ है वो ये नहीं मान रहे कि बच्चों को वैक्सीन की सबसे कम जरूरत है? बिल्कुल अगर सही बात बच्चों के आप कह लिए रहे हैं। वैक्सीन अगर बच्चों के लिए वैक्सीन सबसे ज्यादा जरूरी होती तो ये टेबल उल्टा कर दिया जाता और सबसे पहले बच्चों बच्चों को को दी सेंटर में जाती रख के वैक्सीन डेवलप की जाती, और सबसे पहले बच्चों को जैसे पोलियो की बूंदें देते हैं जी। उस तरह से बच्चों को वैक्सीन पहले दी जाती, फिर ये ऊपर की तरफ को चलते कि अब 18 साल से ऊपर वालों को दो, अब 45 साल से ऊपर वालों को दो। एक एस्पेक्ट तो ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो जैसे जैसे हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम हमारी एज बढ़ती है हमारा शरीर अलग अलग तरह की बीमारियों से घिरता है, जी उन बीमारियों को लड़ने वाला इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में एक ही है। तो अगर मैं इसको फोर्सेस के साथ जोड़ के देखूं, जैसे इंडिया है, अगर 5-6 तरफ से वो घिर जाए, कोई आक्रमण कर दे उसके ऊपर, तो जितनी टोटल फोर्स है उसको 5-6 जगह पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। जी इसी तरह से शरीर का इम्यून सिस्टम 5-6 अलग अलग बीमारियों से लड़ रहा होता है, तो उस टाइम पे कोविड जैसा कोई नया वायरस आ जाता है उससे लड़ने के लिए वो 5-6 जगह से अपनी डिप्लॉयमेंट हटा के एक जगह पे नहीं लगा सकता। मगर बच्चों का जो हेल्थ है वो बहुत हद तक इन सभी बीमारियों से परे होता है, कोई डायबिटीज या बीपी या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चों को नहीं होती हैं, जी। तो उनका पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम एक वायरस के साथ फाइट कर सकता है। मेरी जो समझ कहती है वो यही कहती है कि इसीलिए बच्चों में अभी तक कोरोना के कोई बहुत ज्यादा केसेस नहीं आ रहे, अदरवाइज जैसे धूरी जी ने बोला है, और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन भी ये है कि हम सभी बाहर घूम रहे हैं, जी मार्केट में जा रहे हैं, अपने अपने वर्क प्लेसेस पे जा रहे हैं जहां पे किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। स्कूल के अंदर तो हम फिर भी प्रोटेक्शन लेते हैं, गेट पे थर्मल चेकअप होता है, हैंड सैनिटाइज होते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन होता है, मार्किंग करके रखी होती है, किसी को पास बैठने नहीं देते। मगर यही आप बाजार में जाओ, मॉल्स में जाओ, शॉपिंग सिनेमा में जाओ, पार्क्स में जाओ, गार्डन्स में जाओ, वहां कौन इन सभी प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहा है? तो अगर उन जगह से घर आने के बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को फिर भी सेफ रख पा रहे हैं, जी उनको ये इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये मानना होगा कि बच्चों का इम्यून सिस्टम हम एडल्ट से बेटर फाइट कर पा रहा है कोरोना को। बिल्कुल। तो अब इन सब चीजों को अगर हम ध्यान रख के जब बाकी सब चीजें खुली हैं, स्कूल भी खोल दें, तो कम से कम जो बच्चों का और ज्यादा मेंटल और फिजिकल लॉस हो रहा है, जो बिहेवियरल लॉस हो रहा है, जो कल्चरल लॉस हो रहा है, वो लॉस धीरे धीरे कम हो जाएगा, बच्चे अपने ट्रैक पर वापिस आ जाएंगे। यू वोंट बिलीव जिन बच्चों ने साल भर ऑनलाइन एजुकेशन ली है, जिनको सही ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिली, या जिन पेरेंट्स ने एक साल पैसा बचाने के लिए अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में डाल लिए थे, उनके बच्चे दो दो तीन तीन साल पीछे हो चुके हैं। जब वो आते हैं हम उनका प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करते हैं, वो अपनी पिछली क्लास के लेवल का भी आंसर्स नहीं दे पाते। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। तो दूर की बात धूरी साहब, आप भी एक एक सवाल मेरा ये होगा, गुप्ता जी मैं रुख पहले आप ही का करूंगा इस बात पर, जो क्षमता जो बाकी लोगों की जो स्कूल जाते रहे हैं हमेशा से, उन लोगों की क्षमता, बौद्धिक क्षमता, मेंटल लेवल हम बात करें तो, और जो अब जो छात्र हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिन्हें रोका जा रहा है, जो जाना चाहते हैं, उनकी जो क्षमता होगी, क्या आने वाले समाज के साथ में वो घुल मिल पाएंगे, वो लड़ पाएंगे उन तमाम हालातों से जो जिंदगी में लोगों को फेस करने पड़ते हैं? आप दोनों का इस पर मैं कॉमेंट लेना चाहूंगा, लेकिन गुप्ता जी सबसे पहले क्या कहेंगे आप? सर मैं ये पहले ही बोल चुका हूं कि बहुत बड़ा डैमेज ऑलरेडी हो चुका है एक पिछले बीते साल में, उस डैमेज को कवर करने के लिए हमें टाइम चाहिए, एंड बीइंग एजुकेशनिस्ट, एक प्रिंसिपल से पहले मैं एक टीचर हूं, जी। हम
हमें पता है कि हम इस डैमेज को कवर अप कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें टाइम चाहिए, उसके लिए हमें बच्चे स्कूल के अंदर चाहिए। जितना और ज्यादा डिले होगा बच्चों को स्कूल भेजने में, उतना वो डैमेज का लेवल बढ़ता जाएगा, ये खाई बढ़ती जाएगी, उस खाई को पाटना आने वाले समय में मुश्किल होता जाएगा। एंड यू वोंट बिलीव, सबसे बड़े सफरर्स ये बच्चे ही होंगे। कल को एक संयम भारद्वाज जी जो सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर हैं, उनका एक वेबिनार मैंने अटेंड किया था, उसमें उन्होंने बड़ी क्लियर बात बोली कि अगर हम ये सीबीएसई के फिजिकल एग्जाम्स कैंसिल कर देते हैं इस साल जो होने हैं 10th और 12th के, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को जब बच्चों ने एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए कहीं जाना है तो वहां पे 2021 के पास आउट की लाइन एक अलग बना दी जाए कि जो जो बच्चे 2021 में पास हुए थे वो अलग लाइन में खड़े हो जाओ, यू पीपल डोंट डिजर्व, क्योंकि तुम्हारा मेंटल लेवल उतना नहीं है जितना तुमसे पहले पास हुए बच्चों का या तुमसे बाद में पास हुए बच्चों का है। तो एक बहुत बड़ा खतरा बच्चों के ऊपर मंडरा रहा है। उस वीडियो को मैंने शेयर किया था और उस वीडियो के नीचे यू वोंट बिलीव हजारों की तादाद में बच्चों ने कमेंट किए हैं जो इस टाइम पे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं इस चीज को लेके, एंड दे हैव इवन थ्रेटन टू कमिट सुसाइड कि अगर हम लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, हम स्कूल में जाके नहीं पढ़े, हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और इसके चलते हम लोग सुसाइड करने को तैयार हैं। क्या हम ऐसी सोसाइटी का सृजन करना चाहते हैं? गुप्ता जी, रुख मैं आपका करना चाहूंगा और एक बात समझने की मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से जो बच्चे हैं वो अपनी बात तो कह ही रहे हैं, लेकिन साथ में उनकी जिस तरीके की जो बातें लगातार कही जा रही थी कि स्कूल नहीं जाएंगे तो इस तरह की स्थिति होगी, इस तरह की स्थिति नहीं होगी, क्या आप सरकार के ऊपर आप मानते हैं कि सरकार जो जागरूक लोगों को कर रही है, स्कूल अगर भेजती है बच्चों को तो ज्यादा बेहतर होगा, बच्चे वहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे और वो संदेश लेकर अपने घर जा पाएंगे, अपने माता पिता को समझा पाएंगे कि इस तरीके से हाथ धोने, इस तरीके से दूरी का पालन करना है, वो शिक्षा के साथ साथ जागरूक भी होंगे? क्योंकि हमने देखा है बच्चों को, वो अपने पेरेंट्स को जाकर बताते हैं कि हमारे टीचर ने ऐसे ऐसे समझाया नहीं, ऐसे सही है, उदाहरण के तौर पर मैं बहुत देखे हैं। जी सर, आपने एकदम सही बात बोली, पास में भी यही चीज होती रही है, बहुत सी जैसे डेंगू हो गया या जीका वायरस आया था या और कोई भी ऐसी पेंडेमिक्स या कोई बीमारियां जब भी ब्रेकआउट होती हैं तो आम जो जनता होती है, जो लोग टीवी ज्यादा नहीं देखते हैं या जो लोग सोशल मीडिया का यूज ज्यादा नहीं करते हैं, उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती, मगर जब स्कूल्स में हम लोग बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में लेके जाते हैं, एक एक चीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, हर एक स्कूल अपने बच्चों को करंट सिचुएशंस के साथ अप टू डेट रखता है, तो नो डाउट जो इन्फॉर्मेशन है, बीमारियां कौन सी आ रही हैं, उनके कारण क्या हैं, उनसे बचाव कैसे करना है, हर स्कूल इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है और बच्चों के थ्रू वो एजुकेशन उनके पेरेंट्स तक पहुंचती है। मैं जस्ट एक बात अपनी पूरी करना चाहूंगा कि सरकार जो है वो उसकी गाइडलाइंस जब इशू होती हैं तो वो हमने प्राइवेट स्कूल ओनर्स ने और प्राइवेट स्कूल के स्टाफ ने पूरी ईमानदारी के साथ उनको फॉलो किया। हमारे बच्चे हमने पहले मींस हाफ हाफ ऑड इवन रोल नंबर्स करके या ऑड इवन सेक्शंस करके स्कूल में बुलाए, पूरा जो 6 फीट का डिस्टेंस की बात की थी, अपने स्कूल की मैं बात करूं तो पूरा स्केल जो फीता होता है उससे नाप के 6-6 फीट के डिस्टेंस पे हमने बच्चे बैठाए थे, बिल्कुल मार्किंग 6-6 फीट पे की थी, बच्चों को मूव नहीं करने दिया, एक मार्किंग को क्रॉस नहीं करने दिया। अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो 2 संस्थाएं ऐसी हैं जहां पे डिसिप्लिन बहुत अच्छे से फॉलो होता है, एक है आर्मी और दूसरा है स्कूल। हर बच्चा अपने टीचर्स की पूरी बातों को फॉलो करता है और ये बात पेरेंट्स भी मानते हैं, जब वो स्कूल में आते हैं ना, बच्चे उनके कहने में नहीं आते तो आके वो स्कूल के टीचर से या प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा कहना नहीं मानता, आप बोलिए, आपके एक बार कहने पे ये मान जाएगा। ऐसा कल्चर स्कूल में हमने, ऐसा माहौल हमने डेवलप करके रखा होता है। 1000 बच्चा होता है स्कूल के अंदर, मॉर्निंग की असेंबली की बेल बजती है, अपना प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके वो जाके अपनी जो मार्क्ड प्लेस है वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं, 1000 बच्चा लाइनों के अंदर प्रॉपर डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, चाहे आप लेफ्ट से देखो, चाहे राइट से, चाहे फ्रंट से, चाहे बैक से, एक जैसा आपको दिखेगा। ये डिसिप्लिन और कहीं किसी भी स्कूल या आर्मी को छोड़ के मार्केट में, सोसाइटी में, किसी और प्लेस पे अगर फॉलो हो रहा हो तो मैं ये मान जाऊंगा कि केवल स्कूल बंद करने से कोरोना रुक जाएगा। बहुत बड़ी बात सर आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बात को सरकार भी